हर कोई एक बोतल लिए घूम रहा है और लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहा है, क्योंकि मार्केटिंग करने वालों ने उन्हें ऐसा बताया है। ज्यादा पानी पीने से, खासकर अगर छोटे घूंट पिए जाएं, तो दिमाग में सूजन आ जाएगी। साथ ही जब आपको पानी की जरूरत हो, तब अगर आप पानी ना पिए तो इससे सिस्टम को नुकसान होगा। ये सिर्फ तरल पानी पीने की बात नहीं है, आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें पानी की भरपूर मात्रा हो। अगर आपको प्यास नहीं लग रही, अगर आप पानी नहीं पीते तो आपको कुछ नहीं होगा, आप एकदम ठीक रहेंगे। सिर्फ अमेरिका में ठंडे मौसम में भी हर कोई एक बोतल लेकर घूम रहा है और लगातार पानी पी रहा है, क्योंकि मार्केटिंग करने वालों ने उन्हें बताया है कि उन्हें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी पीने से, खासकर अगर छोटे घूंट पिए जाएं, तो शरीर पानी सोख लेता है। जब यह पानी सोख लेता है तो सोडियम का स्तर, जो बहुत नाजुक रूप से संतुलित रहता है, कम हो जाएगा। बाकी के शरीर पर भी असर होता है, पर शायद उतना स्पष्ट नहीं दिखता। लेकिन मस्तिष्क में सोडियम का स्तर कम होने से दिमाग में सूजन आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है सूजन एक तरह की बीमारी है, ठीक है? दिमाग का विस्तार नहीं हो रहा, सोडियम की कमी के कारण यह सूजकर बड़ा हो रहा है। तो चूंकि पर्याप्त सोडियम मौजूद नहीं है, इसीलिए मस्तिष्क में ज्यादा पानी चला जाता है, इस कोशिश में कि संतुलन कायम रखने के लिए जरूरी सोडियम पहुंचाया जा सके। तो आपके दिमाग में ज्यादा पानी होने का मतलब है कि आप हिल जाएंगे। Psychological imbalances will come. मानसिक असंतुलन आ जाएगा जब आप ज्यादा पानी सोख लेते हैं। देखिए, अगर आप एक बार में काफी पानी पी लेते हैं तो शरीर तय करेगा कि कितना सोखना है, कितना बाहर निकालना है। लेकिन अगर आप दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं तो शरीर एक तरह से धोखा खा जाता है और उसे जितना चाहिए उससे ज्यादा पानी सोख लेता है। लेकिन अभी अगर आप 2 लीटर पानी पीते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम में नहीं जाएगा, जितना जरूरी है शरीर ले लेगा और बाकी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पानी ना पीना और फिर भी बाहर घूमना बिल्कुल संभव है। सिर्फ इसीलिए पानी पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करना अच्छा होता है। जब आपको प्यास लगती है तब आपको पानी पीना चाहिए। बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, अपनी जरूरत से 10% ज्यादा पीजिए, 1-2 घूंट ज्यादा, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि आप कम नहीं पी रहे हैं। If you're not the kind who is carrying a... अगर आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो दिन भर अपने साथ हर वक्त पानी की बोतल लिए घूमते हैं, तो थोड़ा ज्यादा पानी पी लेना अच्छा है, ताकि जब जरूरत आए तब इससे पहले कि आप पानी पी पाएं आपके पास थोड़ा समय हो, ताकि ये इमरजेंसी ना बन जाए। साथ ही जब आपको पानी की जरूरत हो, जब आप प्यासे हो, तब अगर आप पानी नहीं पीते तो उससे सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। मैं कहूंगा कि इस पर बहुत बहस हो सकती है। इस मुद्दे पर डॉक्टर समुदाय निश्चित रूप से विरोध करेगा, लेकिन वे शायद 20 साल या 30 साल बाद इससे सहमत हो जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर हर कोई अच्छा पानी पीता है और पर्याप्त मात्रा में, तो दुनिया में दिल का दौरा पड़ना 50% कम हो जाएगा। जब सिस्टम में जरूरी मात्रा में पानी नहीं होता तो दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब मैं कहता हूं पानी, तो यह सिर्फ तरल पानी पीने की बात नहीं है, आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें पानी की भरपूर मात्रा हो। अगर आप एक फल खाते हैं तो उसमें लगभग 90% पानी होता है। सब्जियों और दूसरी चीजों में 70% से ज्यादा पानी होता है। आपके भोजन में कम से कम 70% पानी मौजूद होना चाहिए। तो आप बहुत कम पानी वाला भोजन खाते हैं और वो आपके पेट में जाकर कंक्रीट की तरह बैठ जाता है। अब आप ढेर सारा पानी पीते जाते हैं, इससे मदद नहीं मिलेगी। आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनमें भरपूर पानी हो। आपके भोजन में पानी की मात्रा को कम से कम आपके शरीर में मौजूद पानी की मात्रा के बराबर होना चाहिए। So any food that you eat should be at least
70%. तो जो भी भोजन आप खाएं उसमें कम से कम 70% पानी होना चाहिए। तो यही वजह है कि सब्जियां और फल आपके भोजन का हिस्सा होना चाहिए ताकि पानी मौजूद रहे। कुछ परिस्थितियों में पानी न पीना चलेगा, लेकिन अगर प्यास लगने का संकेत है तो आपको जरूर पानी पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि प्यास लगने पर आप पानी जरूर पिएं, क्योंकि शरीर का अपना तरीका होता है। जब ये संकेत देता है कि आपको पानी की जरूरत है तो आपको 20 मिनट के अंदर या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में पर्याप्त मात्रा में पानी पी लेना चाहिए। अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो शरीर तय कर लेगा कि कितना रखना है और कितना निकालना है।